हेलो पापा, आप ऑफिस से निकले? जस्ट निकल रहा हूँ। पापा, घर आते वक्त ना एक मोबाइल कवर लेके आना। ठीक है। ब्लैक पर व्हाइट शेड का ही लाना और बैक ट्रांसपेरेंट हो। बेटा दिखावे के लिए तो नहीं चाहिए ना? नहीं पापा, उससे मोबाइल टूटने से बच जाता है और वीडियो कॉल करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, डन। बाय बेटा। बाय। पापा, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह रुचिर, बाप बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे हाँ, इसका बर्थडे है ना। ए, अंकल के पैर छू। खुश रहो बेटा। जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे कल इसका बर्थडे है तो उसे आईफोन गिफ्ट कर दिया, सिर्फ 1 लाख का है। आईफोन इतना महंगा? तो उसमें क्या हुआ, बच्चे की मुस्कान पर दिल खुश हो जाता है। पर अभी तो 8 क्लास में है भाई वो। अरे तो क्या हुआ, हम कमाते भी है और गवाते भी है। अजीब आदमी। सुनो अमर, कल सनी के बर्थडे में जरूर आना और विद फैमिली आना। ओके आऊंगा, थैंक यू। ओके। लगता है पापा आ गए। हाय पापा। मम्मी, पापा आ गए। पापा मोबाइल कवर लाए। उस बैग में है बेटा, ले लो। आज काफी देर हो गई। हाँ, तिमाही रिपोर्ट भेजनी थी। भेज दी? हाँ, समय से पहले। ठीक है, चाय बना दो आपके लिए। नहीं, थोड़ा अखबार पढ़ लेता हूँ। ठीक है। मम्मी ये देख, कवर एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे पापा का काम एकदम परफेक्ट ही होता है। हाँ याद है, पिछले वीकेंड पापा हम सबको लोनावला लेके गए थे, कितना मजा आया था उधर। हाँ, और मानसून के बाद तो वहाँ के दृश्य देखने लायक होते हैं। बिल्कुल, मुझे झरने देख के बहुत अच्छा लगा और अंत में जो हमने महाराष्ट्रियन भोजन किया वो तो मुझे बहुत पसंद आया मम्मी। हाँ हाँ, मुझे भी। हाँ बेटा, यही छोटी छोटी खुशियाँ जीवन का असली आनंद है। पापा यू आर ग्रेट पापा। कितनी सी हंसी, कितनी सी खुशी, कितना सा टुकड़ा चांद। सर, ये कमलेश भाई की तरफ से। गुड, वेरी गुड। ये लो, हो गया। और ये साबरिया मटेरियल्स की तरफ से सर। अरे वाह, वेरी नाइस। सब बराबर है ना? हाँ सब बराबर है सर, सालों से यही काम कर रहा हूँ सर। ओके, ये लो। और वो मालवीय इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हुआ? वो आज हमें होटल में मिलने वाले सर, ये उनकी फाइल है। हाँ लेकिन बाद में देखते हैं सर। अरे मिलने वाला है ना? हाँ सर। लाओ, मैं अभी कर देता हूँ, लाओ। ये लो, हो गया सब पुरानी फाइलों का निपटारा। ओके सर। अरे वो रुचिर भाई। अरे भाई सुनो ना, वो एकदम बिंदास है, मस्त कलंदर। अरे बड़े बड़े गेम भी खेलता है। हाँ, और जीतता भी है। हाँ, ये आ गया। हाँ कमलेश भाई, आपका काम हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर। अमर, अरे गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग। किस ख्यालों में डूबे हो? लगता है रुचिर भाई की कल की पार्टी से ये अभी तक बाहर निकला ही नहीं है। सही कहा। सही बोला। सुनो ना, कल वाला पार्टी में मैंने बहुत एंजॉय किया था। मैंने भी। मजा आ गया। और अपने बॉस ने भी। सही यार, ये रुचिर क्या कामयाब इंसान है। नहीं, खुद मस्त रहता है लेकिन सबको मस्त रखता है। हाँ। एकदम मस्त कलंदर आदमी है यार वो। हाँ, एकदम मस्त कलंदर। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये सब करने के लिए उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? हाँ पॉइंट। हाँ, ये सवाल ने मेरा हस्बैंड भी पूछता था। ये बात हम सबसे छुपी नहीं है और हम सब जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पापा, आज मैंने सनी के आईफोन पे एक गेम देखा, बहुत सुंदर दिखता है और पता है उससे फोटो तो कमाल के आते हैं। बेटा रुचिर भी मुझे बोल रहा था कि बॉस से आईफोन दिलवा दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, मुझे गलत काम नहीं करना।
बिल्कुल मत करना पापा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अपनी मेहनत की कमाई से अपने पापा और मम्मी को आईफोन ला कर दूंगा। हमारा बेटा बड़ा होकर जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। एक दूसरे से करते हैं प्यार। जी सर। क्या गर्मी हो रहा है यार। अरे सर वो क्या कर रहे हैं? शिट यार, ये अमर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं क्या करूं, भाभी को फोन लगाता हूं। हेलो भाभी जी, अमर है घर पे? हाँ पर सोए है। अर्जेंटली फोन दीजिए ना भाभी जी उनको। ज्यादा अर्जेंट है क्या? हाँ भाभी जी अर्जेंट है, प्लीज फोन दीजिए ना उनको। हाँ हाँ देती हूँ। तो इतनी रात को ये क्या फोन करने का समय है? हाँ धीरज बोलो। अरे यार वो रुचिर को और बॉस को एंटी करप्शन वाले पकड़ के लेके गए यार। क्या? हाँ खबर पक्की है यार। मैंने कितनी बार रुचिर को समझाया लेकिन समझता ही नहीं है। अरे मैंने कितनी बार समझाया उसको यार लेकिन सुनता कहाँ यार वो। पता नहीं उसकी फैमिली पर क्या बीत। साहब आपको नए साहब बुला रहे। ठीक है आ रहा हूँ। अमर मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि देखो इन फाइलों में फ्रॉड हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि इस फाइल को तुम क्लियर कर सकते हो। लेकिन सर। अमर मुझे तुम्हारी ईमानदारी और गुणवत्ता का अंदाजा है, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता ये। पर सर अपने डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है अमर, इस डूबते हुए प्रोजेक्ट को हमें किसी भी हाल में बचाना है। क्यों? क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर तुम ये प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए ना तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जनता को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए ये चैलेंज स्वीकार कर लो। क्या सोच रहे हो अमर? इस समय तुम ये सोचो कि हमें जनता की सेवा करने का अवसर है। अगर तुम ये प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए ना तो पूरी जनता में तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन होगा। ठीक है सर, मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ। गुड, ये लो फाइल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मुझे आशा है कि तुमने ये महत्वपूर्ण कार्य सही व्यक्ति को दिया है और बिना किसी अनियमितता के तुम ये काम समय पर करवाओगे। जी सर। सर मैंने वो काम बहुत ही कर्मठ ईमानदार और काबिल व्यक्ति को सौंपा है सर, और हम इसे समय पर पूरा करेंगे सर। गुड गुड वेरी गुड। आप रात भर सोए नहीं? लक्ष्य को पूरा कर लोगों के जीवन में खुशियां लानी है तो सुबह जरूर होगी। अब मैं अति विशिष्ट जनसेवा पुरस्कार हेतु अमर जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। सचिन yes, yes. भारत सरकार यह पुरस्कार देगी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ हाँ कांग्रेचुलेशन, मगर पार्टी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ होनी ही चाहिए। हाँ हाँ सर, अति विशिष्ट जनसेवा पुरस्कार पाने के बाद आप इस उपस्थित सभागृह को क्या कहना चाहेंगे? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार देखो ये है असली मस्त कलंदर। हाँ बिल्कुल, he does his work with very honesty and commitment। हाँ यस, और साथ साथ अपने परिवार को भी उपलब्ध साधनों के अंदर संतुष्ट और प्रसन्न रखता है, यही है असली मस्त कलंदर। सत्यनिष्ठा
संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि हो। सत्यनिष्ठा संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हर घर खुशहाल हो, खुशहाल हो। सत्यनिष्ठा संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि हो। सत्यनिष्ठा प्रण हमारा, सुखी जीवन का सहारा। सानी सनिपगर साग पनिसा। सत्यनिष्ठा प्रण हमारा, सुखी जीवन का सहारा। देश के प्रति हो समर्पित, देश के प्रति हो समर्पित, सत्य सेवक हो।